विगत दिवस हम लोगों ने जो कर्फ्यू इम्पोज किया था उसमें हम लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी पालन हो, प्लस जो आम जन है उनको असुविधा भी ना हो। परंतु विगत दिवस में इंदौर में जो नए केसेस कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं तो अभी हमें और आवश्यक है हो गया है कि हमें और सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो कर्फ्यू का आदेश हम लोगों ने पूर्व में जारी किया था उसमें हम लोगों को संशोधन किया है। सर्वप्रथम ये जो दुकान खोलने का समय है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया है। अब कल से जो दुकानें हैं वो प्रातः 8 बजे से खुलेंगी और दोपहर 1 बजे बंद हो जाएंगी। लेकिन जितनी तरह की दुकानें आज खुली थी वो समस्त तरह की दुकानें पहले पूर्व की तरह खुलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोगों को की ध्यान में लाना आवश्यक है कि हम लोगों ने ऑड इवन फॉर्मूले, ऑड इवन क्लोज के फॉर्मूले पे आने वाले समय में कर्फ्यू की जो डेट्स हैं उसको प्लान किया है। ये जो आदेश है ये 28 मार्च से प्रभावशील होगा। 28 मार्च को यानी पहले दिन मात्र ऑड नंबर की जो गाड़ियां हैं उन्हें बाजार बाहर आने की अनुमति रहेगी। 29 तारीख को इवन नंबर की जो गाड़ियां हैं उन्हें आने की अनुमति रहेगी और 30 तारीख को पूर्णतः जो बाहर आना है वो बंद कर दिया जाएगा। वाहनों का जो मूवमेंट है वो बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह से जो कर्फ्यू है उसका पालन किया जाएगा। मैं फिर से इस आदेश में हमने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध और भी इम्पोज किया है, ये भी लोगों की जानकारी में लेना आवश्यक है कि आम व्यक्ति को संक्रमण ना हो और वो जिन व्यक्ति के पास जा रहे हैं उन्हें भी संक्रमण ना हो। इसके लिए हमने ये भी निषेधाज्ञा लागू की है कि प्रत्येक बाहर निकलने वाले व्यक्ति को अपना जो चेहरा है मास्क से या रुमाल से या गमछे से या किसी और प्रोटेक्टिव गियर से ढकना अनिवार्य किया गया है।